साथियों नमस्कार, मार्केट संवाद में आप सभी का स्वागत है। आइए आज मैं बात कर रहा हूँ स्कूलों की। देख सकते हैं प्राइवेट स्कूल में अधिकतर बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से हुआ करती है, तो आज मैं ऐसे ही पड़ताल पर तो सनराइज पब्लिक स्कूल जो देखा जाए बबीना विधानसभा के कोंचा बहार में, ये सनराइज पब्लिक स्कूल काफ़ी पुराना स्कूल है। साथियों बता दूँ मैं आप सभी को, इस स्कूल के अंदर जैसे ही मैंने एंट्री की तो हमारे बीच में प्रिंसिपल जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार किस रूप में व्यवस्थाओं के साथ बच्चों को शिक्षा का प्रदान कर रहे हैं। अगली आवाज होगी यहाँ के प्रिंसिपल जी की। सर नमस्कार, मार्केट संवाद में स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर आपका विद्यालय कब से खुला हुआ है? थ्री ईयर हो गए। सर आपके विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए अवेलेबल? ऑल फैसिलिटी हैं, वैसे तो हमारी ओर से जितनी हम फैसिलिटी कोशिश कर सकते हैं वो बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे बच्चों के प्लेइंग के लिए, पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह हम विद्यालय से, और जो प्रोजेक्टर की भी सुविधा उपलब्ध करा दी हमने, और जितनी भी फैसिलिटी प्रोग्राम्स 15 अगस्त 15 अगस्त 2 अक्टूबर जो इन राष्ट्रीय फेस्टिवल होते हैं हम विद्यालय में बच्चों को सेलिब्रेट कराते हैं, और जो हमारे नॉर्मल फेस्टिवल होते हैं जो हम आप घर पे मनाते हैं उन्हें भी विद्यालय में बच्चों को बताते हैं उनके बारे में, और उन्हें बच्चों को यहाँ विद्यालय में उनसे करवाते भी हैं कि कैसे घर पे मनाते हैं क्या करते हैं। और बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास जो स्टाफ है वो टोटल ग्रेजुएट है, और मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, LLB भी किया हूँ, BTC भी किया हूँ, और साथ ही मैं हमारे यहाँ जितनी भी स्टूडेंट हैं, वीक स्टूडेंट हैं या जो मतलब पढ़ने में अच्छे हैं, और जो पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए तो ठीक है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा क्लास होती है हॉलीडे के बाद तो वो एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं, और नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास के बाद अगर जो वीक स्टूडेंट हैं ख़ास तौर से उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास है, जो ज़्यादा वीक हैं उन्हें हम अलग तरीके से पर्सनल गाइड करते हैं, और पर्सनल उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास पर्सनल उन्हीं के लिए है। हमारे टीचर्स से भी मदद करते हैं उसमें, हम स्वयं उसमें सहयोग देते हैं, साथ ही बच्चों को जितनी अच्छे तरीके से मोटिवेट किया जाए, चाहे वो प्लेइंग के सामान से मोटिवेट किया जाए, चाहे वो एक्टिंग करके मोटिवेट किया जाए, मतलब उन्हें समझ में आना चाहिए, किसी भी प्रकार से समझ में आए, कोई भी तरीका हो, सिर्फ उन्हें समझाने का कोई एक तरीका होना चाहिए, उन्हें समझ में आना चाहिए। बस मेरा यही उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं भविष्य में अच्छी। एक प्रश्न सर उठाया कि यहाँ देखा जाए कोंचा बहार में कस्बा क्षेत्र है, तो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आया करते होंगे आपके पास, तो उनको आर्थिक रूप में उनके पेरेंट्स से किस प्रकार मदद किया करते हो आप? वैसे तो ठीक है, यहाँ हमारे पास काफ़ी लोग, एक ग्रामीण क्षेत्र है कोंचा बहार, तो महानगर से लगा हुआ है तो कोंचा बहार में तो हैं, फिर भी कुछ गार्जियंस हैं, अगर कई गार्जियंस हमारे पास ऐसे भी हैं जो जिनके बच्चे हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। ऐसा है कि कुछ बच्चे 2-3 बच्चे हमारे पास ऐसे भी प्रेजेंट हैं कि उन बच्चों के पेरेंट्स में माताजी अकेली हैं घर पे और पिताजी हैं नहीं, एक्सपायर हो गए हैं या कोई प्रॉब्लम्स है तो वो फीस देने में असमर्थ हैं, तो हम निशुल्क सेवा दे रहे हैं उन बच्चों को। और कुछ किसान वर्ग के जो आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि फसल ना होने के कारण कभी फीस आ भी पा रही है, कभी नहीं भी आ पा रही है, तो अगर वो पूरा ईयर का कंप्लीट लास्ट में जब फसल आती है उस समय करते हैं, नहीं भी होता है तो बैक में जब आपके पास गुंजाइश हो जाए, बच्चा आप लेके नहीं भागेंगे, जब हो जाए तब गुंजाइश, जब अपनी गुंजाइश के हिसाब से हमारे पास फीस कलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई खास फोकस नहीं है कि नहीं हमें आज फीस चाहिए, ऐसा कोई खास तौर से मतलब फोकस नहीं है, सिर्फ आप जब आपके पास गार्जियन संतुष्ट जब लगे उसको कि नहीं आज हमारे पास पैसा है हम सर का जमा करते हैं। हाँ प्रेशर थोड़ा देते हैं लेकिन इतना नहीं कि गार्जियंस को प्रेशर इतना प्रेशर दें। अभी हमारे पास कुछ ऐसे भी गार्जियंस हैं जिनका 1 ईयर का बैक पड़ा है पिछला फीस, तो यही है कि हम जितना कोशिश करते हैं कि बच्चों की फीस के मैटर से ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ इतना है कि हमारा रेंट, स्टाफ सैलरी, हमारा पर्सनल खर्चा, विद्यालय खर्चा निकलता रहता है, साथ में जो हम लोगों की सुविधाएँ हैं वो होती रहती हैं, बस फीस आती रहती है आगे पीछे। ठीक, धन्यवाद देते हैं सनराइज पब्लिक स्कूल को, जो कि संक्षेप में हमारे प्रिंसिपल जी ने सारी व्यवस्थाओं के साथ अपनी बात रखी। कैमरामैन आकाश के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता मार्केट संवाद झांसी।